हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लेजेंडर पॉलिनोमियल्स। ओके, तो जो लेजेंडर पॉलिनोमियल्स है ये आपके सिलेबस में है, जो एमपीपीएससी अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। ओके, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का कब है? 28 जनवरी 2024। ओके, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ये टॉपिक है आपका वहाँ पे सेकंड यूनिट में, लेजेंडर पॉलिनोमियल। ओके, यूनिट सेकंड में ये आपका टॉपिक है। वहाँ पर आपका जो टॉपिक है उधर बोला गया है कि लेजेंडर इक्वेशंस एंड फंक्शन। ओके, ठीक है, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लेजेंडर इक्वेशंस है वो क्या होती है, उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, वो सारा हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छे से देख लेना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बेसल इक्वेशन करेंगे। ओके, तो देखिए जो लेजेंडर इक्वेशन होती है वहीं से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लेजेंडर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेजेंडर इक्वेशन लिखेंगे कि क्या होती है, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि जो लेजेंडर पॉलिनोमियल या फिर लेजेंडर फंक्शन क्या होता है। ओके, ठीक है, और उसमें भी आपके पास दो काइंड होती है, एक आपके पास लेजेंडर फंक्शंस ऑफ फर्स्ट काइंड एंड लेजेंडर फंक्शंस ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके, और अभी तक हमने क्या किया है, लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो गया है, रियल एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, और जो पीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप, ओके, वो भी हमने डिस्कस किया है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का तो चलो बेसिक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने ये जो लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इनमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और वो भी सीएसआईआर नेट के। मेरे को नहीं लगता अगर आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद भी आप मार खाओगे, क्योंकि अगर हम 2011 टू 2023 तक के अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, हर टॉपिक वहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगोगे तो वहाँ पे साथ के साथ टॉपिक भी होता जाएगा कि क्या लॉजिक वहाँ पे यूज़ हुआ है, और जब एक ही क्वेश्चन आपका, यानी कि चलो रिपीट तो नहीं होता सीएसआईआर नेट में, लेकिन जो भी वहाँ पर लॉजिक लगता है, जो भी फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, या फिर जो डेफिनेशन यूज होती है वो तो सेम ही रहती है, और जब आप एक ही डेफिनेशन को 5-6 बार अपने माइंड से निकालोगे तो आपको याद हो ही जाएगी वो, ठीक है, और आप फटाक देसी क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है इस टाइम पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, साथ के साथ बेसिक थ्योरी भी करो, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर जाना, आप कर सकते हो यहाँ से अगर इन टॉपिक्स की भी करनी है। अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रखा है, कोशिश करेंगे हम एग्जाम तक सारे के सारे टॉपिक कर लें कवर। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है लेजेंडर पॉलिनोमियल्स। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम इक्वेशंस देख लेते हैं कि जो लेजेंडर इक्वेशन है वो क्या होती है। ओके, सबसे पहले हमें क्या देखना है यहाँ पे, व्हाट इज लेजेंडर इक्वेशन। लेजेंडर लेजेंडर इक्वेशन क्या होती है, लेजेंडर इक्वेशन इतना तो आपको पता चल ही गया होगा, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चला हुआ है, तो जो लेजेंडर इक्वेशन होगी उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए वो, ठीक है, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की ही कोई ना कोई फॉर्म होगी जिसको इसने लेजेंडर इक्वेशन नाम दे दिया। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, याद रखना इक्वेशन को, डायरेक्ट आपसे वहाँ पर इक्वेशन भी पूछ सकता है, ठीक है, कि लेजेंडर इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन the differential equation of the form one minus x square y double dash minus 2xy dash plus n into n plus 1 into y is equal to 0. This is equation number first, and this equation is called Legendre equation। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको याद कर लेना अच्छे से,
वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई डबल डैश माइनस टू एक्स वाई डैश प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड लेजेंडर इक्वेशन। ओके, लेजेंडर इक्वेशन। अब बात आती है कि यहाँ पे जो ये इसने n यूज़ किया है, ये n है क्या? ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जो n है यहाँ पे वे है n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अच्छे से देख के जाना, कहीं वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आप जो ये लेजेंडरी इक्वेशन है ये तो याद करके चले जाओ, और आपसे ये बोल दे वहाँ पे कि जो n है वो इंटीजर है, n आपका नेगेटिव इंटीजर है, n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये सारी कंडीशन अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो n आपका है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, उसके बाद बात आती है इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे? ऐसे फाइंड आउट करोगे सॉल्यूशन इस इक्वेशन का? यहां से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो इसके पास टू कांस्टेंट होंगे, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो कितने होंगे? टू। ठीक है, क्योंकि जितनी डिग्री होती है ठीक है, उतने ही आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास क्या है, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो अगर ये सेकंड ऑर्डर है तो इसके पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, तो आपके पास जो लास्ट में सॉल्यूशन निकल के आएगा वहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने वाले हैं, है ना। अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। तबीयत अभी ठीक नहीं हुई अच्छे से, तो फिर भी हम कर लेते हैं, चलो जितना होता है। देखिए कैसे करोगे सॉल्यूशन फाइंड आउट, मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ इसका जो सॉल्यूशन है वो सीरीज की फॉर्म में लेके चलती हूँ। ठीक है, देखिए आपको सिर्फ लास्ट में सॉल्यूशन याद रखना है, ये मैं बस आपको सोल्व करके दिखा रही हूँ कि कैसे आएगा। ठीक है, देखो नाउ क्योंकि हमें जो इक्वेशन वन है वो सोल्व करनी है सीरीज ऑफ डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में, है ना, तो देखिए लेट दिस सीरीज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन बी वाई इज इक्वल टू सीरीज m इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एम एक्स रेज टू दी पावर के माइनस एम। ओके, एंड याद रखना यहाँ पे जो सी नोट है वो क्या है, नोट इक्वल टू जीरो। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको क्या करना है, सिंपली सिर्फ ये याद रख लेना, ठीक है, कि सॉल्यूशन हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, y आपके पास ये आ गया, अब आपको y डैश एंड y डबल डैश निकालना है और इक्वेशन वन में पुट कर देना है। ठीक है, निकालिए y डैश क्या आएगा। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू, देखिए y डैश क्या आएगा, यहां से y डैश इज इक्वल टू समेशन, यहां से क्या आएगा, m इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एंड दिस इज सी एम, और ये क्या आ जाएगा, k माइनस m x रेज टू द पावर k माइनस m माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। एंड नाउ अगेन डिफरेंशिएशन, देन वाई डबल डैश इज इक्वल टू सीरीज एम जीरो टू इन्फिनिटी सी एम के माइनस एम इंटू के माइनस एम माइनस वन एक्स रेज टू द पावर के माइनस एम माइनस टू। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास है, y डैश की है, y डबल डैश की है, अब आप इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए ये सारी वैल्यूज। ठीक है, जब आप इक्वेशन वन में पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ नाउ पुटिंग दी
वैल्यू ऑफ वाई वाई डैश एंड वाई डबल डैश इन इक्वेशन वन एंड देन वी गेट वन माइनस एक्स स्क्वेयर समेशन एम जीरो टू इन्फिनिटी सी एम के माइनस एम एंड के माइनस एम माइनस वन एक्स रेज टू द पावर के माइनस एम माइनस टू एंड माइनस ऑफ टू एक्स सीरीज एम जीरो टू इन्फिनिटी एंड सी एम के माइनस एम एक्स रेज टू द पावर के माइनस एम माइनस वन एंड प्लस एन इंटू एन प्लस वन एंड सीरीज एम इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एम एक्स रेज टू द पावर के माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको ओपन करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये क्या आएगा, एम इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एम के माइनस एम के माइनस एम माइनस वन एक्स रेज टू द पावर के माइनस एम माइनस टू, ये एज इट इज। अब माइनस एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई कीजिए आप अंदर, तो ये आएगा माइनस ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एंड सी एम के माइनस एम के माइनस एम माइनस वन एंड एक्स रेज टू द पावर। अब यहाँ पे ये पावर टू है, इधर आपके पास माइनस टू है, तो ये क्या रहेगा इधर से के माइनस एम, ओके, एंड माइनस टू एक्स, ये टर्म आपकी एज इट इज रहेगी। एम इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एम के माइनस एम एक्स रेज टू द पावर के माइनस एम माइनस वन एंड प्लस एन इंटू एन प्लस वन सीरीज एम इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एम एक्स रेज टू द पावर के माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक ठीक है, ओके, ठीक है यहाँ तक। अब एक चीज़ देखो आप, इधर ये आपके पास इधर x है, इधर x की पावर माइनस वन है, तो ये भी आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हो, इधर से ये आप x को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे जब प्लस वन करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x की पावर k माइनस एम बचेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इधर भी x की पावर k माइनस एम है, यहाँ पे भी x की पावर k माइनस एम है, और यहाँ पे भी x की पावर k माइनस एम है, तो मैं इन तीनों में से अगर x की पावर k माइनस एम कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या बचता है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म एज इट इज एम जीरो टू इन्फिनिटी सी एम के माइनस एम एंड के माइनस एम माइनस वन एक्स रेज टू द पावर के माइनस एम माइनस टू, ओके। अब यहाँ से निकालना है हमें क्या, एक्स रेज टू द पावर के माइनस एम, तो माइनस, और यहाँ से आएगा सीरीज एम इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, ओके, सी एम कॉमन ले लीजिए यहाँ से, एंड ये आपके पास बचेगा, फर्स्ट में रहेगा के माइनस एम इंटू के माइनस एम माइनस वन, ठीक है, एंड यहाँ पे होगा माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस टू के माइनस एम, ओके, एंड यहाँ पे आएगा माइनस एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है, ओके, एंड कॉमन यहाँ पे आ गया एक्स रेज टू द पावर के माइनस एम इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए k माइनस एम इंटू के माइनस एम माइनस वन एंड प्लस टू के माइनस एम माइनस एन इंटू एन प्लस वन, है ना, तो यहीं पे कर लेती हूँ मैं, सिर्फ इसको मैं सोल्व आउट करूँगी, तो ये देखिए क्या आएगा आपके पास, दिस इज़ k माइनस एम एंड यहाँ पे भी क्या k माइनस एम, तो k माइनस एम होल स्क्वेयर, ओके, एंड माइनस k माइनस एम की मल्टीप्लाई कीजिए वन से, देन k माइनस एम, ओके, एंड प्लस टू इंटू के माइनस एम, ओके, एंड यहाँ से क्या है माइनस एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है यहाँ तक। अब इधर देखिए, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या होगा, माइनस एन स्क्वेयर एंड माइनस एन स्क्वेयर माइनस एन, है ना, यही होने वाला है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए आप, ये है के माइनस एम स्क्वेयर, ओके, एंड यहाँ से अगर मैं करूँ
एन स्क्वेयर मैं आगे लेके आ गई है ना, माइनस एन स्क्वेयर एंड ये क्या बचेगा, प्लस के माइनस एम, ओके एंड माइनस एन, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, के माइनस एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, आप यहाँ से इसको थोड़ा ओपन कर सकते हो, तो ये क्या होगा, के माइनस एम माइनस एन एंड इंटू के माइनस एम प्लस एन, है ना, कर सकते हो ऐसा, ठीक है। देखिए हम नेक्स्ट पे कर लेते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, देखिए क्या टर्म आई है आपके पास, के माइनस एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर एंड प्लस के माइनस एम, और ये है माइनस एन, है ना। अब हमें पता है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इतने में, तो ये क्या आएगा, के माइनस एम माइनस एन इंटू के माइनस एम प्लस एन एंड प्लस, ये आपका एज इट इज़ रहेगा, के माइनस एम माइनस एन, ठीक है। अब यहाँ से आप के माइनस एम ये आप कॉमन ले सकते हो, है ना, के माइनस एम माइनस एन ये कॉमन ले लीजिए, के माइनस एम माइनस एन कॉमन आ जाएगा, इधर क्या रहेगा, के माइनस एम प्लस एन और ये प्लस वन, ठीक है। अब आप पुट कर दीजिए, इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, जो इक्वेशन थ्री है वो आपके पास आएगी, इक्वेशन थ्री मे बी री रिटन एज तो क्या आएगा आपके पास, सीरीज m इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनीटी सी एम, और ये क्या आएगा, दिस इज के माइनस एम इंटू के माइनस एम माइनस वन एक्स रेज टू द पावर के माइनस एम माइनस टू एंड माइनस सीरीज m जीरो टू इन्फिनीटी सी एम एंड दिस इज के माइनस एम माइनस एन इंटू के माइनस एम प्लस एन प्लस वन एक्स रेज टू द पावर के माइनस एम इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हमें यहाँ से कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी नोट सी वन सी टू अप टू सी एम तक, है ना। तो देखिए कैसे निकालोगे आप, यहाँ से है ना कोफिशियंट्स कंपेयर कर लीजिए, ओके। तो सबसे पहले हमें सी नोट फाइंड आउट करना है, तो सी नोट आपका कहाँ से निकल के आएगा, अगर मैं यहाँ पे एम की वैल्यू जीरो रखती हूँ, है ना, अगर मैं यहाँ m की वैल्यू जीरो रखती हूँ, तो इधर देखिए जो फर्स्ट है टर्म आपके पास, तो यहाँ पे तो k माइनस टू आएगा, और यहाँ पे जब जीरो रखोगे तो k आएगा, तो हम x रेज टू द पावर k के कोफिशियंट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखिए जो हाईएस्ट पावर है आपके पास वो क्या है, x की x रेज टू द पावर k, उसके बाद हम k माइनस वन को कंपेयर करेंगे, उसके बाद k माइनस टू को करेंगे, ठीक है। नाउ वी इक्वेट टू जीरो, देखिए नाउ we equate to zero the coefficient of the highest power of x, तो highest power आपकी यहाँ पे क्या है, x raise to the power k, ओके देखिए इसने बोल भी दिया, नेमली एक्स रेज टू द पावर के, ओके इन इक्वेशन फोर जब आप यहां से कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सी नोट एंड के माइनस एन इंटू के माइनस एन प्लस वन और ओके इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, हमें पता है कि जो सी नोट है वो आपके पास क्या है, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि के माइनस एन आपका जीरो हो सकता है या फिर के माइनस एन प्लस वन आपका क्या हो सकता है, जीरो, है ना, यही पॉसिबिलिटी बची फिर तो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया, एक मिनट, यहाँ पे प्लस एन, ठीक है, देन दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू एन
एंड माइनस एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू निकल के आ गई, क्योंकि सी नोट तो आपके पास नॉन जीरो है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों के दोनों क्या है, अनइक्वल है एंड डिफर बाय एन इंटीजर। ओके, नाउ द नेक्स्ट लोअर पावर ऑफ एक्स इज के माइनस वन, देन सो अब हमें क्या इक्वेट करना है, एक्स रेज टू द पावर के माइनस वन के कोफिशियंट्स को कंपेयर कर लीजिए। तो क्या आएगा वहाँ पे, जब आप k माइनस वन को करोगे तो फर्स्ट में अब की बार भी k माइनस वन नहीं आने वाला, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो हम m की जगह पे वन पुट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब हमें करना है x रेज टू द पावर k माइनस वन की पावर को, है ना, यही करना है। तो आपके पास क्या आएगी इक्वेशन, इक्वेशन आपके पास आ जाएगी c1 k माइनस वन माइनस एन एंड k प्लस वन एन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब आपके पास जो k की वैल्यूज आई थी, आपके पास जो k की वैल्यूज है क्या है, k इज इक्वल टू एन एंड माइनस एन प्लस वन। अब आप यहाँ पे k की जगह पे n पुट करके देखिए, जब आप k की जगह पे n पुट करोगे तो क्या आएगा, c1 एंड n माइनस वन माइनस एन, और यहाँ पे क्या आएगा, n प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये तो आपके पास क्या आ गया, c1 वन माइनस वन एंड टू एन, ठीक है। ये टर्म तो आपके पास क्या है, नॉन जीरो है। देन दिस इम्प्लाइज एक ही पॉसिबिलिटी बची कि c1 ही क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे ही आप माइनस एन प्लस वन को पुट करके देख सकते हो, जब आप माइनस एन प्लस वन पुट करोगे तो उस केस में भी आपके पास सी वन ही जीरो आने वाला है। अब देखिए यहाँ से आपको पता चला कि जो सी नोट है वो नॉन जीरो है, बट सी वन इज़ ज़ीरो, ठीक है। ऐसे ही आप हाईएस्ट पावर के, ऐसे ही आप के माइनस एम पावर्स के लिए कर सकते हो, है ना, ठीक है। नाउ फोर के इज इक्वल टू, देखिए नाउ इक्वेटिंग टू जीरो, फाइनली इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशियंट, इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर के माइनस एम इन फोर। ओके, जब आप के माइनस एम को करोगे कंपेयर तो क्या आएगा आपके पास, सी एम माइनस टू, ओके, एंड दिस इज के माइनस एम प्लस टू, और यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, के माइनस एम प्लस वन, ये आपके जो फर्स्ट टर्म है उसके ही कोफिशियंट्स हैं, माइनस सी एम के माइनस एम माइनस एन, एंड यहाँ से क्या आएगा, के माइनस एम प्लस एन प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, m को m माइनस टू कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ से सी एम की अब ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे, क्या आएगी सी एम, यहाँ से सी एम इज इक्वल टू के माइनस एम माइनस एम प्लस टू इन टू के माइनस एम प्लस वन डिवाइडेड बाय के माइनस एम माइनस एन इंटू के माइनस एम प्लस एन प्लस वन सी रे सी एंड सबस्क्रिप्ट में क्या है, सी एम माइनस टू, ठीक है। ये आपके पास एक रिकरेंस रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे आप m की वैल्यूज पुट कर दीजिए, ठीक है। तो वहीं से देखिए आपको सिर्फ यहाँ पे किसकी ज़रूरत थी, एक c1 की और c0 की, अदरवाइज आप सारी वैल्यूज अब निकाल सकते हो, है ना। तो c1 और c0 आपके पास हो ही गया। तो जैसे ही आप यहाँ पे m की जगह पे आप 2 रखोगे, ठीक है, तो c2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, c3 की निकल के आ जाएगी, c4, c5 सब की वैल्यूज निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जब आप जैसे ही c2 निकालोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, बट जैसे ही आप c3 निकालोगे तो वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जितनी भी आपकी ओड टर्म्स हैं वो आपकी सारी जीरो बनेगी, और जो इवन है वो आपकी नॉन जीरो आने वाली है, ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा C1, C3, C5, ओके, ये सारी की सारी टर्म जीरो आ जाएगी,
ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी टू सी फोर सी सिक्स, ठीक है। तो अब उसके लिए दो केसेस बनते हैं आपके पास, ठीक है, दो केस बनेंगे और वो केस भी यहीं से बनने वाले हैं जो के की वैल्यूज निकल के आई है, ठीक है। देखिए नाउ टू ऑब्टेन सी टू सी फोर सी सिक्स, नाउ वी कंसीडर टू केसेस। अब दो केस आपके पास क्या है, फर्स्ट केस है कि इफ के इज इक्वल टू वन, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट केस है क्या है, केस फर्स्ट व्हेन के इज इक्वल टू एन, ठीक है। जब के को आप एन रखोगे यहाँ पे, दिस इज इक्वेशन नंबर फिफ्थ रख दीजिए इसको, जब आप इक्वेशन फिफ्थ में के की जगह पे क्या रखोगे, एन, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, देखिए इन इक्वेशन फिफ्थ तो आपके पास आएगा सी एम इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, एक मिनट रुक जाइए आप, बस क्या रखना आपको के की जगह पे, एन, ठीक है। तो रखिए के की जगह पे एन रख दीजिए, यहाँ क्या आएगा, यहाँ से के माइनस, एक मिनट सॉरी, एन माइनस एम प्लस टू इंटू एन माइनस एम प्लस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस एम माइनस एन इंटू एन माइनस एम प्लस एन और प्लस वन सी रेज टू द पावर सी सबस्क्रिप्ट एम माइनस टू। तो यहाँ से देखिए एन से एन कैंसिल हो गया और इधर आ गया माइनस एन माइनस एम प्लस टू, ओके। और यहाँ से क्या आएगा, एन माइनस एम प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय एम इंटू टू एन माइनस एम प्लस वन सी एम माइनस टू, ठीक है। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स, ठीक है, ओके। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, सी टू सी फोर सी सिक्स सारी इवन जब आप रखोगे टर्म्स यहाँ पे तो निकल के आ जाएंगी, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको बता दूँ कि सी टू, अगर मैं यहाँ पे एम की जगह पे टू रखूँ, ठीक है, जैसे ही मैं एम की जगह पे टू रखूँ तो सी टू क्या आएगा, यहाँ से माइनस एन माइनस टू प्लस टू एंड यहाँ से आएगा एन माइनस टू प्लस वन एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा टू इन टू टू एन माइनस टू प्लस वन एंड यहाँ पे आएगा सी नोट। तो ये क्या बन गया आपके पास, इधर से माइनस एन इन टू एन माइनस वन एंड डिवाइडेड बाय टू इंटू टू एन माइनस वन सी नोट, ठीक है। ऐसे ही आप सी फोर को भी सी नोट की टर्म्स में निकाल सकते हो, जैसे जब आप एम की जगह पे फोर रखोगे तो इधर आपके पास आएगा माइनस एन माइनस टू एन माइनस थ्री, आप करके देख लेना इसको, फोर इंटू टू एन माइनस थ्री और यहाँ पे सी टू आएगा, ठीक है। तो हमें चेंज करना है सी नोट की फॉर्म में, हमें सारी की सारी सी नोट में लेके आने हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पे सी टू की वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि आपके पास है सी टू की। तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से एन इंटू एन माइनस वन एंड एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू इंटू फोर, क्योंकि हमें एक सीरीज फॉर्म में लेके आनी है ये, है ना। तो ये आ जाएगा टू एन माइनस थ्री, ताकि ज़्यादा कॉन्स्टेंट ना हो। तो ये भी आपका सी नोट में हो गया, ऐसे ही आप सी सिक्स को भी कर सकते हो। तो अब देखिए जो आपके पास इक्वेशन सेकंड थी, अब इक्वेशन सेकंड क्या था, हमने एक सीरीज फॉर्म में सॉल्यूशन लिया था, ठीक है। नाउ रीराइटिंग सेकंड, देखिए नाउ इक्वेशन सेकंड क्या थी आपके पास, वाई इज इक्वल टू समेशन एम इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एम एक्स रेज टू दी पावर, यहाँ पे क्या था, के माइनस एम, है ना, यही था।
तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको रीराइट करना है 4k इज इक्वल टू n के लिए, ठीक है। तो जब आप n के लिए यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, नाउ n के लिए आपको करना है ना, जब आप n के लिए करोगे तो क्या आएगा यहाँ से, नाउ रीराइटिंग रीराइटिंग इक्वेशन सेकेंड फोर एन इज इक्वल टू सॉरी फोर के इज इक्वल टू एन, फोर के इज इक्वल टू एन है ना, एन के लिए करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आएगा दिस इज वाई इज इक्वल टू सीरीज एम इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एंड दिस इज सी एम एक्स रेज टू द पावर एन माइनस एम, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, सी नोट एक्स रेज टू द पावर एन प्लस सी वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस सी टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू अप टू सोन, ओके। अब यहाँ पे देखिए आपके पास सी नोट की वैल्यू है, सी वन की भी है, सी टू की भी है ना, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। सी नोट की क्या है आपके पास, सी नोट को आप एज इट इज़ रख लीजिए, क्योंकि हमने सी वन सी टू इन सब की वैल्यूज हमने सी नोट की फॉर्म में निकाल ली है ना। तो देखिए जो सी वन सी थ्री सी फाइव इनकी तो सबकी जीरो है, तो आपके पास क्या बचेगा, सी नोट एक्स रेज टू द पावर एन प्लस सी टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू प्लस सी फोर एक्स रेज टू द पावर एन माइनस फोर प्लस सी सिक्स एक्स रेज टू द पावर एन माइनस सिक्स अप टू सोन है ना। अब यहाँ पे सी नोट एक्स रेज टू द पावर एन प्लस सी टू की वैल्यू क्या है आपके पास, सी टू इज माइनस एन इन टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इन टू टू एन माइनस वन, ओके। और यहाँ पे क्या है आपके पास, सी नोट एंड एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू, ऐसे ही सी फोर की रख दीजिए। सी फोर की आपके पास क्या है, दिस इज एन एन इन टू एन माइनस वन इन टू एन माइनस टू एंड डिवाइडेड बाई टू इन टू फोर इन टू टू एन माइनस वन एंड यहाँ पे क्या है टू एन माइनस थ्री, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज सी नोट एक्स रेज टू द पावर एन माइनस फोर एंड अप टू सोन, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, सी नोट को आप कॉमन ले लो, ठीक है। सी नोट को जब आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एक्स एन पल माइनस एन इन टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इन टू टू एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू एंड प्लस एन इन टू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इन टू फोर इन टू टू एन माइनस वन टू एन माइनस थ्री इन टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस फोर, ओके। तो ये जो आपके पास सीरीज़ है, अब आपके सामने जो ये सीरीज़ बनी हुई है, यही क्या है आपके पास, देखिए यही आपके पास लेजेंडर फंक्शन होगा। अगर आप ए को पुट करो क्या, वन इंटू थ्री इंटू फाइव अप टू टू एन माइनस वन बाई एन फैक्टोरियल। अब ये ए क्या है पता है आपको, कि ये ए क्या है, क्या है ये ए, देखिए हमने सी नोट तो कॉमन निकाल लिया, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। अब मैंने ए जो नाम दिया वो सी नोट को ही दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे ए लिख दूँ, ठीक है, और अगर मैं कहूँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ ये जो इक्वेशन है ये आपकी इक्वेशन हो गई, पीछे थी सिक्स एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेवन्थ, ठीक है। एंड नाउ इफ वी टेक, देखिए नाउ यही है मेन चीज याद रखने वाली एग्जाम के लिए, ठीक है। नाउ इफ वी टेक A इज इक्वल टू वन इंटू थ्री इंटू फाइव अप टू टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ओके। द सोल्यूशन क्या आएगा उसके बाद, द सोल्यूशन सेवंथ इज डिनोटेड बाय
इज डिनोटेड बाय पी एन एक्स, इज डिनोटेड बाय पी एन एक्स एंड इज कॉल्ड लेजेंडर फंक्शन. ओके, इज कॉल्ड लेजेंडर फंक्शन. यही आपके पास क्या है, लेजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड. ओके, ऑफ फर्स्ट काइंड. ओके, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, और लेजेंडर पॉलिनोमियल और लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन. ओके, कितनी डिग्री की है, एन डिग्री की है. ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है ना. अब याद रखना जो सेवन्थ जो ये आपके पास सीरीज आई है ये कैसी है, टर्मिनेटिंग सीरीज. ओके, एंड सो इट गिव्स राइज टू ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग सीरीज है. ओके, ठीक है. ओके, अब मैं आपको यहाँ पे लिखवा भी देती हूँ अलग से हाईलाइट करके कि जो लेजेंडर पॉलिनोमियल आपके पास है, देखिए पी एन एक्स कंप्लीट लिख लीजिए आप यहाँ पे, एक बार याद रहेगा. वैल्यू पुट कर देते हैं हम एक ही, क्या बनेगी, लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, या फिर लेजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड. ठीक है, कैसे डिनोट करोगे, पी एन एक्स इज इक्वल टू, क्या रखी हमने एक ही वैल्यू, वन इंटू थ्री इंटू फाइव अप टू टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल. आपको यही याद रखना है, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू इंटू टू एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू एंड प्लस एन इंटू एन माइनस सॉरी एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री एंड डिवाइडेड बाय टू इंटू फोर इंटू टू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस थ्री एक्स रेज टू द पावर एन माइनस फोर अप टू सोन. ठीक है, ये जो इक्वेशन आपके पास, ये जो फंक्शन आपके पास है ये क्या है, लेजेंडर फंक्शन या फिर लेजेंडर पॉलिनोमियल. ठीक है, याद रखोगे, यही है मेन आपके लिए इम्पोर्टेंट जो कि आपको याद रखना है, लेजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड. अब हम बात कर लेते हैं, अगर ये फर्स्ट काइंड है तो फिर सेकेंड काइंड कौन सी होगी. ठीक है, ओके, अगर ये फर्स्ट काइंड है तो फिर सेकेंड काइंड क्या होगी. ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखिए केस फर्स्ट की बात की थी, ये एन माइनस थ्री भी है यहाँ पे. देखिए यहाँ पे हमने केस फर्स्ट की बात की थी, केस फर्स्ट में हमने क्या लिया था, के इज इक्वल टू एन. अब जब हम सेकेंड केस की बात करेंगे तो क्या लेंगे, के इज इक्वल टू माइनस एन प्लस वन. तो उस केस में भी देख लेते हैं हम, देखिए सेकेंड केस क्या है, केस सेकेंड क्या लेना है हमें, व्हेन k इज इक्वल टू माइनस एन प्लस वन. ओके, अब हमें k की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस एन प्लस वन. ठीक है, तो आपके पास जो y है सेकेंड इक्वेशन में क्या है, y इज इक्वल टू सीरीज m इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एम एक्स रेज टू दी पावर k माइनस एम, है ना. तो k की जगह पे पुट करना है हमें, दिस इज m इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एम एक्स रेज टू दी पावर माइनस एम एन प्लस वन एंड माइनस एम. ठीक है, यहाँ तक यही आएगा. ओके, है ना, ठीक है. तो जैसे ही आप जो आपके पास एक रिलेशन आया था, रिलेशन आपके पास क्या बना हुआ है, सी एम इज इक्वल टू माइनस एन माइनस एम एन माइनस एम प्लस टू इंटू एन माइनस एम प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय एम इंटू टू एन माइनस
एम प्लस वन है ना, इंटू सी रेज टू दी सी सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा एम माइनस टू है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सी टू सी फोर सी सिक्स है ना। तो वो कैसे निकाल लोगे, अब हमें k की जगह पे पुट करना है, k इज इक्वल टू माइनस एन प्लस वन है ना। तो जैसे ही आप k की जगह पे माइनस एन प्लस वन पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, c2 क्या निकल के आएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। आपको क्या करना है, जब आप c2 रखो यहाँ पे, 2 की वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले आपको k की जगह पे माइनस एन प्लस एम, चलो ये तो कर ही रखा है ना, एक मिनट, जब k की जगह पे माइनस एन प्लस वन रखोगे तो सी एम क्या आएगा, एक मिनट यही मैंने गलत लिख दिया। जब आप माइनस एन प्लस वन रखोगे तो यहाँ पे आएगा सी एम एन प्लस एम माइनस वन एंड एन प्लस एम एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा एम इंटू टू एन प्लस एम प्लस वन सी एम माइनस टू। ओके, अब निकालिए यहाँ से सी टू सी फोर। तो जब आप यहाँ पे सी टू की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आएगा सी टू इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाय टू इंटू टू एन प्लस थ्री सी नोट। ओके, एंड सी फोर आपके पास क्या आएगा, सी फोर इज एन प्लस वन एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस फोर एंड डिवाइडेड बाय टू इंटू फोर इंटू टू एन प्लस थ्री टू एन प्लस फाइव एंड सी नोट। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पे सी सिक्स और सी एट ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास जो ये वाई है, ठीक है, यहाँ पे जीरो पुट कीजिए। जब आप यहाँ पे जीरो पुट करते हो तो आपके पास ये क्या बनेगा, इज ओपन करोगे तो सी नोट एक्स रेज टू द पावर माइनस एन माइनस वन। ओके, एंड प्लस सी वन एक्स रेज टू द पावर माइनस एन माइनस टू प्लस सी टू एक्स रेज टू द पावर माइनस एन माइनस थ्री। ओके, एंड प्लस सी थ्री एक्स रेज टू द पावर माइनस एन माइनस फोर प्लस सी फोर एक्स रेज टू द पावर माइनस एन माइनस फाइव। अब देखिए जो सी वन सी थ्री जो सी फाइव है वो तो सारे जीरो है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ सी नोट एक्स रेज टू द पावर माइनस एन माइनस वन प्लस सी टू एक्स रेज टू द पावर माइनस एन माइनस थ्री प्लस सी फोर एक्स रेज टू द पावर माइनस एन माइनस फाइव। ओके, अब यहाँ पे सी नोट सी टू सी फोर इनकी वैल्यूज रख दीजिए। ठीक है, जब आप वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो आपके पास क्या बन के आएगा, सी नोट को आप कॉमन ले लोगे, सी टू सी नोट को आप बी पुट कर देना। ठीक है, तो आपके पास आएगा वाई इज इक्वल टू बी, ठीक है, वाई इज इक्वल टू बी एक्स रेज टू द पावर माइनस एन माइनस वन प्लस, ध्यान रखना अब यहाँ पे देखो एन प्लस वन यहाँ से क्या आएगा एन प्लस टू डिवाइडेड बाय टू इंटू टू एन प्लस थ्री और यहाँ पे क्या आएगा एक्स रेज टू द पावर माइनस एन माइनस थ्री प्लस यहाँ से आएगा एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू इंटू फोर इंटू टू एन प्लस थ्री इंटू टू एन प्लस फाइव और यहाँ से आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर माइनस एन माइनस फाइव। ओके, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, जो ये आपके पास जो वाई जो सॉल्यूशन आया है, ठीक है, ये आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज है। ओके, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल तो कभी नहीं बनेगी, ये सिर्फ आपके पास, इसको हम ये बोल सकते हैं कि जो ये है, अगर मैं यहाँ पे पी को पुट करूँ क्या नाउ, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, नाउ इफ वी टेक, हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर एट। ओके, नाउ इफ वी टेक b इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय वन इंटू थ्री इंटू फाइव अप टू टू एन प्लस वन। ओके,
टू एन प्लस वन द सोल्यूशन एट्थ इज डिनोटेड बाय क्यू एन एक्स. पहले वाला हमने पी एन एक्स से डिनोट किया था एंड इज कोल्ड क्यू एन एक्स एंड इज कोल्ड लेजेंडर फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड. ओके ऑफ सेकेंड काइंड. आप इसको लेजेंडर पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते क्योंकि एक नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज है. ओके ध्यान रखना. ठीक है ध्यान रखोगे या फिर मैं यहाँ पे नोट करके भी करवा देती हूँ. देखिए नोट एट इज एन इनफाइनाइट और नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज एंड हैंस क्यू एन एक्स इज नॉट पॉलिनोमियल. ओके याद रखना ये पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है अब मैं यहाँ पे अगर आपसे और हाँ अब ध्यान रखना कि जो पी एन एक्स है वो आपके पास क्या है टर्मिनेटिंग सीरीज है और क्यू एन एक्स क्या है नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज है. अब जो ये पी एन एक्स है और क्यू एन एक्स है कैसे हो गए दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन. इक्वेशन वन क्या थी आपके पास लेजेंडर इक्वेशन. ठीक है अब देखिए यहाँ पे एक बार पहले आप क्यू एन एक्स लिख लीजिए कि जो क्यू एन एक्स है. ओके या फिर ये है ही आप लिख लेना. ठीक है देखिए ये पता चल गया पी एन एक्स आपके पास टर्मिनेटिंग सीरीज है क्यू एन एक्स आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज है इसलिए दोनों के दोनों क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ वन. ठीक है ये दोनों वैसे भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ओके देखो पी एन एक्स एंड क्यू एन एक्स आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन. अब ये इक्वेशन वन क्या है लेजेंडर इक्वेशन. जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी है ना याद होगी. ये आपके पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आ गए किसके लेजेंडर इक्वेशन के एंड हैंस जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा हैंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन is y is equal to a p n x plus b q n x. ओके और p n x आपके पास क्या है p n x is Legendre function of first kind एंड जो क्यू एन एक्स है ये आपके पास क्या है दिस इज लेजेंडर फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड. ओके ऑफ सेकेंड काइंड. ठीक है अब जो ये आपके पास है लेजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड इसको हम ये भी बोलते हैं लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन. ठीक है लेकिन जो ये आपके पास जो सेकेंड काइंड का लेजेंडर फंक्शन है ये पॉलिनोमियल नहीं है याद रखना. ठीक है पता चल गया पी एन एक्स और क्यू एन एक्स आपको याद रखने हैं हम डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चंस में यूज करेंगे इनको.
ओके, आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा लेजेंडर पॉलिनोमियल में। देखिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। फर्स्ट हमने क्या किया है, लेजेंडर इक्वेशन की है क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट हमने लेजेंडर इक्वेशन की है, उसके बाद हमने क्या किया है, लेजेंडर फंक्शन, लेजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड और इसको हम बोल सकते हैं लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, ओके। एंड थर्ड हमने क्या किया है, लेजेंडर फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, याद रखना इसको हम PNX से डिनोट करते हैं, जो सेकंड काइंड है इसको हम QNX से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडर इक्वेशन, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। याद रखोगे, एक बार मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक मिनट रुक जाइए, आप तब तक एक बार ये देख लीजिए कि क्या क्या हो गया, फिर उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे, है ना। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये एन फैक्टोरियल है, ओके। चलो अब हमें ये देखना कि लेजेंडर इक्वेशन क्या थी, ठीक है। क्या थी लेजेंडर इक्वेशन, याद है किसी को? नहीं याद होगी, है ना, याद तो करते ही नहीं साथ के साथ। देखिए जो लेजेंडर इक्वेशन है क्या थी, 1 - x² y" - 2xy-, ओके, एन प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास है लेजेंडर इक्वेशन। अब हम बात कर लेते हैं लेजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। लेजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, ये आपके पास क्या था, PNX, और PNX क्या है, PNX इज इक्वल टू क्या था, 1 × 3 × 5 अप टू 2n-1 डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा, x^n - n × n-1 डिवाइडेड बाय 2 × 2n-1 एंड x^n-2 प्लस n × n-1 n-2 n-3 डिवाइडेड बाय 2 × 4 × 2n-1 एंड अप टू 2n-3 x^n-4 अप टू सोन, ठीक है। एंड लेजेंडर फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, तो सेकंड काइंड ये आपके पास क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। देखिए जो QNX इज इक्वल टू, QNX क्या था, QNX
एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 × 3 × 5 अप टू 2n+1, ओके, एंड इंटू यहाँ पे आपके पास है एक्स रेज टू द पावर -n-1 प्लस n+1 × n+2 डिवाइडेड बाय 2 × 2n+3 एक्स रेज टू द पावर -n-3 प्लस n+1 n+2 n+3 n+4 डिवाइडेड बाय 2 × 4 2n+3 और ये क्या आएगा 2n+5 एक्स रेज टू द पावर -n-5 अप टू सोन, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या है, y = a × pnx प्लस b × qnx। अब जो a और b है वो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, pnx और qnx हम मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। ध्यान रखना जो pnx है वो पॉलिनोमियल है, qnx इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ओके। pnx इज टर्मिनेटिंग, qnx इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं इसके, ठीक है। तो एक मिनट का ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं हम, कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ना। देखो फर्स्ट ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, एक्सप्रेस टू माइनस 3x, इसको ध्यान से समझ लेना, प्लस 4x² इन टर्म्स ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल, ठीक है। आपके पास जो ये गिवन है, एक पॉलिनोमियल ही गिवन है, आपको क्या करना है, लेजेंडर पॉलिनोमियल की टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी है, ऑफ डिग्री 2, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है। अब सेकंड थिंग क्या है, मैंने क्या बताया था कि जो आपके पास सेकंड काइंड का जो लेजेंडर फंक्शन है वो पॉलिनोमियल नहीं होता, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अगर ये एक पॉलिनोमियल है और लेजेंडर की टर्म्स में हमें इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है,
तो सेकंड काइंड की तो पक्का नहीं हो सकती है ना, सेकंड काइंड लेजेंडर फंक्शन तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे PnX चाहिए होगा, है ना, क्योंकि जो PnX है वही लेजेंडर पॉलिनोमियल होता है ऑफ डिग्री n, ठीक है। तो अब देखिए PnX क्या होता है, अब रिमाइंड कीजिए उसको एक बार, तभी आप इसको लिख पाओगे। ओके, देखिए PnX क्या था, PnX इज इक्वल टू 1 × 3 × 5 अप टू 2n-1 एंड डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे क्या आएगा, x^n एंड -n × n-1 एंड डिवाइडेड बाय 2 × 2n-1 x^n-2 एंड प्लस n × n-1 n-2 n-3 एंड डिवाइडेड बाय 2 × 4 × 2n-1 एंड 2n-3 अप टू x^n-4। ओके, अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी इसने, 2। तो जब आप n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे, तो n की वैल्यू 2 रखने से पहले आपको क्या निकालना होगा, यानी कि हमें 2 डिग्री तक ही फाइंड आउट करनी है एक टाइप से, ये समझ लीजिए आप। यानी कि 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है ये, सिर्फ लेजेंडर पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करनी है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पे किस किस चीज़ की, पी नोट एक्स हमें चाहिए होगा, P1x हमें चाहिएगा, P2x हमें चाहिएगा, क्योंकि 2 डिग्री की ही बात हुई है तो हमें n को 2 तक ही लेके जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे n की जगह पे 0 पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, जब आप n की जगह पे 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताइए, जब आप n की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये तो आपके पास 1 आ गया, है ना। एन की जगह पे जैसे ही आप 0 पुट करते हो तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, 1, ठीक है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होगा, है ना, ठीक है। अब सेकंड आप एन की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1/1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा, x^n, तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा ये भी, x आ गया। अब ये निकालिए p2x में आपको क्या करना है, n की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, तो जब आप 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 × 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये आएगा x^2 एंड यहाँ पे क्या आएगा, -2 × 2 - 1 2 × 4 - 1 और ये क्या आएगा, x^2 - 2 0, ठीक है। तो ये आएगा 1 × 3/2 और ये होगा x^2 - 2/6, ओके, यानी कि 1/3 यही आएगा, है ना। आप भी एक बार करके देख लेना कि आपका क्या आया, 1 × 3/2 और ये हो गया 3x^2 - 1 एंड डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से इधर रहा 1/2 × 3x^2 - 1। तो आपके पास P0, P1, P2 की वैल्यू आ गई, है ना। अब आपको क्या करना है, जो ये आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है इसको लेजेंडर पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ना। तो आप कैसे करोगे, अब देखिए आपके पास है 2 - 3x, ओके, प्लस 4x², तो ये क्या होगा आपके पास, 2 × P0x माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 3 × P1x प्लस 4 × P2x, यही आएगा, है ना। ठीक है, आप यहाँ से x² की वैल्यू निकाल सकते हो, तो x² की ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिक्कत आएगी यहाँ पे, क्योंकि हमने x की जगह पे तो हमने रख दिया p1x, क्योंकि x किसके इक्वल था, p1x के था, और यहाँ पे
वन की जगह पे रख दिया पी नोट एक्स। अब बारी आती है कि एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम। देखिए पी टू एक्स क्या आया आपके पास, पी टू एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस वन बाई टू, तो ये होगा टू पी टू एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ये होगा टू पी टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वेयर, एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, दिस इज वन बाई थ्री एंड टू पी टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए इसको, ये क्या आ गया एक्स स्क्वेयर, तो प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वेयर की जगह पे क्या आएगा फोर बाई थ्री, और ये होगा टू पी टू एक्स प्लस वन। ठीक है, समझ गए ना, हमने सिंपली क्या किया है एक्स एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पुट की है। ठीक है, आ गया समझ में, है ना, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करोगे, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई हम कर लेते हैं यहाँ से, तो ये क्या है टू इंटू पी नोट एक्स एज इट इज, ओके, माइनस थ्री इंटू पी वन एक्स एज इट इज, यहाँ से ये क्या आ जाएगा फोर इंटू टू एट, एट बाई थ्री इंटू पी टू एक्स, ओके, एंड यहाँ से क्या आएगा प्लस फोर बाई थ्री प्लस फोर बाय थ्री, ओके। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं फोर बाय थ्री इंटू वन, वन को हम क्या लिख सकते हैं पी नोट एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि जितना सिंपलीफाई हो सकता है ना हम उतना सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे इसको, ओके, ठीक है। अब यहाँ से देखिए टू इंटू पी नोट एक्स प्लस फोर बाई थ्री पी नोट एक्स, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा यहाँ से टेन बाई थ्री पी नोट एक्स, ओके, माइनस थ्री पी वन एक्स प्लस एट बाई थ्री पी टू एक्स। ठीक है यहाँ तक, आप यहाँ पे इसको छोड़ देना, ठीक है, आप यहाँ पे यहाँ तक भी आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है इतना, आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप सिंपलीफाई करना जितना उसने पूछा है। ठीक है, मैं तो सिर्फ ये बता रही थी आपको कि क्वेश्चंस ऐसे करते हैं। ठीक है, अब कर लोगे अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया तो कर लोगे ना, ओके। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप करना उस क्वेश्चन को, देखिए होमवर्क है आपके लिए क्वेश्चन सेकंड, ये आपको करना है, शो दैट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टू बाय फाइव इंटू पी थ्री एक्स प्लस थ्री बाय फाइव इंटू पी टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये पॉलिनोमियल दी हुई है, इसको लेजेंडर पॉलिनोमियल की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है एक टाइप से, ये आपको करना है, ये क्वेश्चन कर लेना अच्छे से। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है यहाँ पे, ओके। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडर पॉलिनोमियल्स, ये डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है क्वेश्चन पेपर में और काफ़ी यूज भी होती है ये क्वेश्चंस करने के लिए, आप इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, देखो क्या है थ्योरम, देखिए मेनली तो आपका फर्स्ट काइंड का ही आता है। ठीक है, सेकंड काइंड का तो कम ही पूछा जाता है क्योंकि वो पॉलिनोमियल तो बना के नहीं जाते, जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली पॉलिनोमियल बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए जो थ्योरम आपके पास है, जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडर पॉलिनोमियल्स, ओके, लेजेंडर पॉलिनोमियल्स। अब थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है,
आप इसको माइंड में बैठा लेना और क्वेश्चंस में यूज कर लेना, ठीक है? देखिए क्या है, टू शो, ये डायरेक्ट एक रिजल्ट का काम भी करती है, वन माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वेयर रेज टू द पावर माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू सीरीज एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी जेड रेज टू द पावर एन पी एन एक्स, और जो मोड ऑफ एक्स है, मोड ऑफ एक्स इज लाइंग बिटवीन माइनस वन टू वन एंड मोड ऑफ जेड इज ऑल्सो लेस देन वन, ठीक है? या फिर ऐसे भी आ सकती है इसकी स्टेटमेंट, सेकंड क्या है, और टू शो दैट वन माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वेयर रेज टू द पावर माइनस वन बाई टू, ओके एक मिनट, टू शो दैट पी एन एक्स इज द कोफिशियंट ऑफ जेड रेज टू द पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ वन माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वेयर रेज टू द पावर माइनस वन बाई टू इन असेंडिंग पावर ऑफ जेड इन असेंडिंग पावर ऑफ जेड, ठीक है? ये जो पी एन एक्स है ये वही है लेजेंडर पोलिनोमियल ही, ठीक है? तो जो ये जो है ये टर्म वन माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वेयर रेज टू द पावर माइनस वन बाई टू, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडर पोलिनोमियल पी एक्स। ध्यान रखना ये जो टर्म आपके पास है, नोट कर लो इस चीज़ को, नोट वन माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वेयर रेज टू द पावर माइनस वन बाई टू, ये क्या है आपके पास, इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडर पॉलिनोमियल पी एन एक्स, ओके? ये आपके पास क्या है, लेजेंडर पॉलिनोमियल पी एन एक्स, ठीक है? वैसे तो सिर्फ ये थ्योरम ही काम आने वाली है एग्जाम में, तो बट इसका प्रूफ हम कर लेते हैं, ठीक है? देखिए कैसे करोगे, देखो अपने पास क्या है, एक जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, इस सीरीज फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके लेके आना है। कैसे करोगे, देखिए सबसे पहले तो आपके पास क्या है, मोड ऑफ जेड लेस देन वन है एंड मोड ऑफ एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू वन है ना। तो करिए नाउ प्रूफ देख लीजिए इसका, सिंस मोड ऑफ जेड इज लेस देन वन एंड मोड ऑफ एक्स इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू वन। नाउ वी हैव, आपके पास क्या है, जनरेटिंग फंक्शन इज वन माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वेयर रेज टू द पावर माइनस वन बाई टू एंड दिस कैन बी रिटन एज वन माइनस जेड कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, टू एक्स माइनस जेड एंड रेज टू द पावर माइनस वन बाई टू, ठीक है? अब हम इसको ओपन कर लेते हैं इस सीरीज को। तो कैसे ओपन करते हो आप, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन हो तो कैसे करते हो आप, वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब ऐसे करते जाते हो ना। तो यहाँ पे भी देख लीजिए क्या आएगा, वन प्लस वन बाई टू क्योंकि पावर आपके पास माइनस वन बाई टू है अब की बार एंड दिस इज जेड इन टू
2x माइनस जेड, ये हम तभी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसने कंडीशन दी हुई है कि मोड ऑफ जेड भी लेस देन वन है और मोड ऑफ एक्स भी लेस देन वन है, ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, क्योंकि वरना ये अप्लाई नहीं होती, क्योंकि इसमें कंडीशन होती है बाउंड्री इसकी क्या है, लेस देन वन होनी चाहिए स्ट्रिक्टली, ठीक है? तो मोड ऑफ जेड इसने लेस देन वन दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस जेड एंड प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 जेड स्क्वेयर, और ये क्या आएगा 2x माइनस जेड स्क्वेयर एंड प्लस यहाँ से आएगा 1 इंटू 3 अप टू 2n माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 अप टू 2n माइनस 2 जेड रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2x माइनस जेड रेज टू द पावर n माइनस 1 एंड प्लस अप टू सोन, ठीक है? यहाँ तक अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो चलो एक टर्म और लिख लीजिए आप यहाँ पे जेड रेज टू द पावर n, है ना, क्योंकि उसी का कोफिशियंट तो चाहिए है हमें, तो 1 इंटू 3 अप टू 2n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 अप टू 2n इंटू जेड रेज टू द पावर n, और यहाँ से क्या आएगा 2x माइनस जेड रेज टू द पावर n, ओके? अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो इक्वेशन ये बनी है इसमें से हमें जेड रेज टू द पावर n का कोफिशियंट निकालना है, ठीक है? नाउ देखो, नाउ द कोफिशियंट ऑफ द कोफिशियंट ऑफ जेड रेज टू द पावर एन, कोफिशियंट ऑफ जेड रेज टू द पावर एन इन कहाँ से, इस टर्म से, ठीक है? जब आप यहाँ से जेड रेज टू द पावर एन का कोफिशियंट निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, इस टर्म से बोला मैंने बिल्कुल लास्ट वाली से ओनली, तो क्या आएगा 1 इंटू 3 अप टू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n, और यहाँ से क्या आएगा 2x रेज टू द पावर n, ठीक है? एंड दिस इज 1 इंटू 3 इंटू 5, ये क्या बन जाएगा 2n माइनस 1 एंड इंटू 2 रेज टू द पावर n, ये हमने बाहर निकाल लिया और ये हो गया 2n इंटू एक्स रेज टू द पावर n, ओके? इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये देखिए अगर मैं इन सब से 2 कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, यहाँ से मैं 2 को लिख लेती हूँ 2 इंटू 1, ठीक है, 4 को मैं लिख लेती हूँ 2 इंटू 2, 6 को मैं लिख लेती हूँ 2 इंटू 3, और इसको लिख लेती हूँ 2 इंटू n, तो जब मैं 2 कॉमन निकालूँगी तो 2 रेज टू द पावर n कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम, क्या आ गया आपके पास लास्ट में, बन जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू, क्योंकि 2 रेज टू द पावर n से 2 रेज टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल x रेज टू द पावर n, ठीक है? ओके, ऐसे ही आप कोफिशियंट निकालिए अब दूसरी टर्म से, ये तो आपका हो गया लास्ट वाले से, ठीक है? नाउ अगेन अगेन द कोफिशियंट ऑफ जेड रेज टू द पावर एन इन 1 इंटू 3 अप टू 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 अप टू 2n माइनस 2 एंड जेड रेज टू द पावर n माइनस 1 2x माइनस जेड रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक है? जब आप यहाँ से निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा 1 इंटू 3 अप टू 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 इंटू 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू n माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा दिस इज माइनस एन माइनस 1 टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 2, ओके? यहाँ से क्या आएगा आपके पास एंड दिस इज, जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे 2n माइनस 1 बाई एन से तो क्या आएगा माइनस
वन इंटू थ्री अप टू टू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू रेज टू द पावर एन माइनस वन, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू एन माइनस वन। अब आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है टू एन माइनस वन बाई एन से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दिस इज एन माइनस वन इंटू टू रेज टू द पावर एन माइनस टू इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया माइनस वन इंटू थ्री इंटू टू एन माइनस वन और डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू इंटू टू एन माइनस वन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू, ठीक है, ओके। अब जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन आई है वहाँ पे हमने क्या किया है, जेड एन का कोफिशियंट्स निकाला है ना, कहाँ से, जो एक्सपेंशन है आपके पास वन माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वेयर रेज टू द पावर माइनस वन बाई टू से, ठीक है ना, यही किया है हमने। अब जो आपके पास पी एन एक्स है, ठीक है, अब जो आपके पास पी एन एक्स है उसको आप राइट कीजिए, लेजेंडर पॉलिनोमियल लिखिए, आप लेजेंडर पॉलिनोमियल लिखिए, और हाँ एक चीज़ देखो, आप जो आपके पास ये सीरीज़ है, सॉरी जो आपके पास ये जो जनरल जो फंक्शन है, ठीक है, इसमें जो कोफिशियंट्स होंगे जेड का, जेड स्क्वेयर का अप टू जेड एन का, वो क्या होंगे, पी वन एक्स, पी टू एक्स, पी थ्री एक्स अप टू पी एन एक्स, है ना, वही होंगे उसके कोफिशियंट्स ही, ठीक है, यही होगा, है ना, ठीक है। तो देखिए देखो नाउ वी फाइंड दैट पी वन एक्स पी टू एक्स विल बी द कोफिशियंट ऑफ कोफिशियंट्स ऑफ जेड जेड स्क्वेयर इन द एक्सपेंशन ऑफ वन माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वेयर टू रेज टू द पावर माइनस वन बाई टू, है ना, ठीक है, ओके। आप वैसे एक चीज़ देख सकते हो कि जो आपके पास पी एन एक्स होता है ना, वहाँ पे जो ए की वैल्यू हम लेते हैं यही होती है ना वहाँ पे, यानी कि एक्स एन का कोफिशियंट, और जो एक्स एन माइनस वन, जो एक्स एन माइनस टू का कोफिशियंट होता है वो यही होता है ना। तो आपके पास एक टाइप से ये पी एन एक्स ही बनती आ रही है ना, अगर आप कंपेयर करके देखोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, देखो यहीं पे लिखना पड़ेगा मेरे को, वन माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वेयर, वैसे इसका प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये याद कर लेना, ठीक है, वन प्लस जेड पी वन एक्स प्लस जेड स्क्वेयर पी टू एक्स अप टू जेड एन पी एन एक्स, ओके। या फिर इसको क्या लिख सकते हो, सीरीज एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एंड जेड रेज टू द पावर एन पी एन एक्स, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपसे लेजेंडर इक्वेशन पूछ सकते हैं, लेजेंडरी फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड पूछ सकता है, सेकंड काइंड पूछ सकता है, आप वो याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन तो आपके आएंगे नहीं, ओके। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, और कल वाले लेक्चर में हम लेकर के आएंगे बेसल फंक्शन,
ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो एमडी राय सिंघानिया की जो बुक है आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वहाँ पे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, आप वहाँ से कर लेना ट्राई। ओके, देन थैंक यू सो मच।